हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में नया क्या है, क्या खास है, आइए आपको बताता हूं। देखिए, यहां से अगर हम वाउचर में जाते हैं तो वी प्रेस कर लेते हैं सिंपली, तो हम वाउचर में आ जाएंगे। अभी हम परचेस वाउचर में है, चलते हैं सेल्स वाउचर में, F8 प्रेस कर लेते हैं सेल्स वाउचर के लिए। तो ये आ गए हम सेल्स वाउचर में। अभी यहां पर आपको जो रेफरेंस नंबर है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ये रेफरेंस नंबर आएगा कहां से, सवाल पूछा गया है, तो चलिए आइए समझते हैं ये रेफरेंस नंबर कैसे आएगा। सबसे पहले जो कॉन्फिगर की उसको हमें ओपन करना है। इसके लिए आपको F12 शॉर्टकट की फंक्शन बटन प्रेस करना है, F12। तो जैसे ही F12 प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको कॉन्फिगरेशन मिलेगा और यहां पर इसको यस कर दीजिएगा, वाई प्रेस करके एंटर करिएगा तो ये यस हो जाएगा और इसको भी यस रखिएगा, सारे ऑप्शन एक्टिवेटेड है। यहां से चेक करते हुए चलते हैं ऊपर से कि यहां पर रेफरेंस नंबर वाला ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं प्रोवाइड बायर डिटेल्स, तो बायर की डिटेल है। फिर यहाँ पे प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स, फिर यहाँ पे प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स, फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइड एक्सपोर्ट, और यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। तो बस आपको यहीं पर वाई प्रेस कर देना है या इसी पर डबल क्लिक कर दीजिए, दोनों कर सकते हैं आप। यहाँ वाई भी प्रेस कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। आपका रेफरेंस नंबर हो गया है एक्टिवेट। इसको कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लीजिए। आप एंटर 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 करते हुए लास्ट तक एंटर एंटर करते जाएंगे तो भी ये सेव हो जाएगा। आसान तरीका ये है कि कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए। तो ये कंट्रोल ए प्रेस कर लिया हमने। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपको रेफरेंस नंबर भी दिखाई पड़ने लगा। ये रेफरेंस नंबर पहले नहीं आ रहा था, अब आने लगा है। तो इस तरीके से आप रेफरेंस नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।